देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में संचालित लगभग एक दर्जन प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसमें बच्चों की उपस्थिति बहुत कम हो रही है। नगर पंचायत अतरौलिया में संचालित RS कॉन्वेंट स्कूल यूनियन बैंक रोड पर विद्यालय में सभी संसाधन होते हुए भी बच्चों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरे लहर को देखते हुए तथा तेजी से फैल रहे वायरल बुखार की वजह से अभिभावकों में भी भय का माहौल व्याप्त है। बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, लेकिन अभिभावकों में अभी भी भय बना हुआ है। विद्यालय की प्रिंसिपल रितु सिंह ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत बच्चों को विद्यालय में प्रवेश से पहले उनका थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर तथा मास्क लगाकर ही कमरे में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्र के दर्जनों प्राइवेट विद्यालयों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 50% अनिवार्यता के साथ बच्चों को पठन पाठन का कार्य कराया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि विद्यालय की प्रिंसिपल रितु सिंह ने क्या कुछ कहा। किस विद्यालय की प्रधानाध्यापक हैं या प्रबंधक हैं, उसके बारे में? मेरा नाम रितु सिंह है, हमारे RS कॉन्वेंट स्कूल अतरौलिया आजम। मैडम, आज 1.5 साल बाद विद्यालय खुल रहे हैं, बच्चे आए हैं, किस तरह से बच्चे लोग को अंदर ले रही हैं, किस कैसे सैनिटाइज क्या है, उसके बारे में बताइए। पहले बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग कराया जा रहा है, इसके बाद जो सैनिटाइजर हाथ से कराया जा रहा है, मास्क लगाया जा रहा है, बच्चों को जो है 2 गज की दूरी के लिए एक सीट पे एक एक बच्चे से बैठाया जा रहा है। बच्चे की उपस्थिति कितनी है इस वक्त? पहला दिन है, उपस्थिति कैसी है, इसके बारे में बताइए। अभी पूरे बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, अभी 20-30% अभी है बच्चे आए हैं। एडमिशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में? एडमिशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अभी है, अभी भी लोग डर रहे हैं कि हो सकता है फिर से तीसरी लहर आ जाए और स्कूल बंद कर दिया जाए। स्वरा श्रीवास्तव, किस विद्यालय में पढ़ती हो? RS कॉन्वेंट। आज 1.5 साल बाद विद्यालय आई हो, कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा है। तो 1.5 साल तक ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे बोर हो गई थी, यहाँ पे आने के बाद और कैसा लग रहा है? अपने मित्रों के साथ मिली हो, फ्रेंड के साथ मिली हो? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा मतलब पूरा बताओ, कैसा लग रहा है? जैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं और फ्रेंड्स के साथ भी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।